press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आपका स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल गायत्रीज कुकिंग क्लब पे। वेलकम दोस्तों, जय माता दी। जी हाँ, नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और ऐसे में मैं आपके लिए लाई हूँ ये बढ़िया सी केसर पिस्ता फिरनी की रेसिपी। बहुत ही न्यूट्रिशनल है ये, क्योंकि हमने इसमें नेचुरल स्वीटनर डाला है और उसके अलावा कई सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं जो हमारे बॉडी को काफी एनर्जी देते हैं। और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ये, जब आपका मन ऊब जाता है नमकीन और तले हुए फलहार खाकर। तो इसे शुरू करने से पहले, जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, बहुत स्वागत है आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज प्लीज उसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और मुझे कमेंट कर बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो आइए शुरू करते हैं ये बढ़िया सी रेसिपी बनाना। हमने कढ़ाई में ले लिया है आधा लीटर दूध और अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। एक उबाल आने तक हम इसे पका लेंगे। ये देखिए, करीब 2 से 3 मिनट पकाने पर ये दूध में अब उबाल आ गया है। देखिए, दूध उबलने लगा है। अब हम इसमें मिलाएंगे ये सामा के चावल। जी हाँ, ये सामा के चावल हैं, बहुत ही बारीक दाने होते हैं इसके, छोटे छोटे मोतियों जैसे, व्रत में खाए जाते हैं। इन्हें सामा भी कहते हैं, वराई भी कहते हैं, बगर भी कहते हैं। ये आधी कटोरी मैंने इन्हें 1 घंटे तक भिगो लिया था और उसके बाद मैंने इनका पानी जो है वो छान दिया। और अब दूध में उबाल आने के बाद मैं ये चावल जो है व्रत के इस दूध में ऐड कर लूंगी। और अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। देखिए, इस तरह से सारे चावल हमें ऐड कर लेने हैं और अब मैं इसे लगातार हमें इसे चलाते हुए पकाना है मीडियम फ्लेम पे। नहीं तो होगा ये कि ये चावल जो हैं अब थोड़े कच्चे हैं तो नीचे तले पर जाकर बैठ जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे करीब 5 से 6 मिनट तक। ये देखिए दोस्तों, करीब 5 से 6 मिनट हो गए हमने इसे धीमी आंच पे चलाते हुए पकाया है। चावल जो हैं वो अच्छी तरह से फूल गए हैं, पक गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। ये करीब 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, इससे अच्छी खुशबू आएगी इसमें। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शक्कर, 1-2 टेबलस्पून शक्कर मैंने ऐड कर ली है। शक्कर आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, मीठे का टेस्ट टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मीठी ये फिरनी या खीर बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये खजूर। जी हाँ, ये खजूर है जिनके बीज मैंने निकाल के काट के इसमें ऐड कर दिया है। ये करीब 2 टेबलस्पून है, आप समझ सकते हैं कुछ 8 से 10 खजूर होंगे। तो खजूर का भी अपना नेचुरल मीठापन होता है जिससे हमारी जो ये फिरनी है काफी हद तक मीठी हो जाएगी, इसलिए मैंने शक्कर कम डाली है। अगर आप खजूर व्रत में नहीं खाते तो आप सिर्फ चीनी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 चम्मच नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट, ये भी इसे अच्छी थिकनिंग देगा। देखिए, इसे डाल के हमने मिला लिया। दोस्तों, होता यह है कि जब हम व्रत करते हैं तो भूखे रहने की वजह से या सिर्फ कुछ ना खाने की वजह से काफी हद तक हमारे बॉडी के जो शुगर लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं जैसे खजूर, नारियल, ड्राई फ्रूट्स, अब यहाँ बादाम डाल रही हूँ मैं, ये चीजें जो है काफी सारा न्यूट्रिशन देती हैं बॉडी को, एनर्जी देती हैं, और व्रत में हमारे बॉडी को काफी एनर्जी मिल जाती है ताकि हम आसानी से व्रत रख सके। तो बस ये बिल्कुल तैयार है, इसे हमने ज्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ काजू कटे हुए, थोड़े से डाल रही हूँ पिस्ता कटे हुए। आप टोटली अपने हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट डालें, आप जो खाते हैं वो डालें ड्राई फ्रूट्स में। अगर आप इसमें से कोई चीज नहीं खाते तो आप उसे टोटली स्किप कर सकते हैं। अब ये हमारी फिरनी जो है
बहुत ही गाढ़ी और एकदम बढ़िया हो गई है। हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये एक चम्मच मिल्क मसाला पाउडर। जी हाँ, जो रेडीमेड मिल्क मसाला पाउडर मिलता है बाजार में वो मैंने ऐड किया है। और ये देखिए, इसमें केसर भी प्रोसेस्ड होता है तो कितना प्यारा रंग आया है हमारी फिरनी का। ये हमारी बढ़िया सी केसर पिस्ता फिरनी बनके तैयार है। अब हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने सारी चीजें इसमें ऑलरेडी ऐड कर दी है। देखिए बस ये मिक्स हो गया सब कुछ इकट्ठा, काफी गाढ़ी और काफी मजेदार लग रही है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे ढककर हम रख देंगे थोड़ी देर, करीब 5 मिनट, और उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारी ये बढ़िया सी केसर पिस्ता फिरनी बिल्कुल बनके तैयार है। हमने इसे गार्निश किया है केसर से और पिस्ता से और कुछ बादाम और काजू से। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। इस नवरात्र में इसे जरूर जरूर बनाएं और मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय।